हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज डिस्कस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मेटालिक वायर व्हेन स्ट्रेच्ड अप टू ब्रेकिंग पॉइंट। जब आप इसे ब्रेकिंग पॉइंट तक स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बताओ। की कंसेप्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेट्स मेक स्ट्रेस। यहां पे है स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। आपका कोई वायर है और आप उसको खींच रहे हैं। खींच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेन पैदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाएगा लीनियर, दिस इज अ पॉइंट ए और इस पॉइंट तक आपका ग्राफ है लीनियर। तो ओ से ए तक, ओ टू ए ग्राफ इज लीनियर। इट मीन्स हुक्स लॉ इज ओबेड। हुक्स लॉ ओबे हो रहा है बिकॉज यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे आप खींचते जाओगे वैसे वैसे वायर की लेंथ चेंज होती जाएगी। इन ओ से ए रीजन, इन दिस ओ टू ए रीजन, इफ वी अनलोड वायर देन वायर क्या होगा, उसकी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेगा। देन वायर विल गेन ओरिजिनल शेप और साइज विच इज ओरिजिनल स्टेट ओ। ये जो ए पॉइंट है इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इस ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ए पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट है। यहां तक अगर आपने वायर को खींचकर अनलोड किया तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आपने और उसको वायर को खींचा तो क्या होगा, ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट या फिर आप इसे बोलोगे यील्ड पॉइंट। क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट। अब हम बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की। इलास्टिक लिमिट अप टू विच द मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन लोड इज रिमूव्ड। तो जब आप लोड को रिमूव करते हो, व्हेन लोड इज रिमूव्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, जब आप इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर आपने लोड को हटाया, लोड को जब हटाओगे मटेरियल मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो मटेरियल इसके वापस से ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा। लेकिन इसके बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आपने और खींचा, वायर में कुछ या फिर मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा, राइट, आफ्टर इलास्टिक लिमिट लिमिट इफ लोड इज रिमूव्ड। आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद आपने वायर को और खींचा, उसके बाद आपने लोड को रिमूव किया, तो लोड को रिमूव करने के बाद उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स टू अपीयर
इन इट स्टार्ट्स टू अपीयर इन इट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा और यह मैक्सिमम स्ट्रेस जो आपका मटेरियल सह सकता है, यह मैक्सिमम स्ट्रेस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसके बाद आता है यील्ड पॉइंट, अ पॉइंट एट विच मटेरियल स्टार्ट्स टू डिफॉर्म प्लास्टिकली। यील्ड पॉइंट होता है एट यील्ड पॉइंट द मटेरियल स्टार्ट्स टू डिफॉर्म प्लास्टिकली। प्लास्टिकली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। यील्ड पॉइंट के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन मटेरियल में दिखता है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर Before failure से पहले, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक मटेरियल सह सकता है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस इज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, खींचने पर मटेरियल टूट जाएगा, मटेरियल टूटने लगेगा, नेकिंग स्टार्ट होने लग जाएगी, यह ब्रेकिंग स्ट्रेस है या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अब इस पॉइंट के बाद अब आपने और खींचा तो क्या होगा, यहां पे नेकिंग होने लग जाएगी और एक पॉइंट पर फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर मतलब पूरा टूट जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट, और यहां पे होती है नेकिंग। नेकिंग कैसा होता है, एक वायर है, लेट से दिस इज अ वायर। अब आप खींच रहे हैं, तब तो ये स्टार्टिंग में ऐसा ही है, लेकिन आपने इसको खींचा और अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद यहां पर क्या होगा, नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा, इस तरह से नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और नेकिंग होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये नेकिंग टूट जाएगी, ये नेकिंग इस तरह से टूट जाएगी। तो ये हो रहा है नेकिंग आफ्टर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और यहां पे हो गया फ्रैक्चर। तो ये नेकिंग होने लगी, उसके बाद यह फ्रैक्चर हो गया, मतलब टूट गया, फ्रैक्चर पॉइंट या फ्रैक्चर या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिस पर मटेरियल टूट जाता है। एट फ्रैक्चर पॉइंट मटेरियल टूट जाता है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।